नमस्कार, वॉइस ऑफ द नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा और हर बार मैं आपके लिए एक नया मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा लेकर आती हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सनसनी रहता है, पूरे देश भर में चर्चा होती है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ स्टूडेंट और पॉलिटिक्स की दुनिया में। जी हाँ, छात्र और राजनीति एक दूसरे में कितना ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा ही होगा, DU के रामजस कॉलेज में और JNU में इतने सालों से जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जितने भी दंगे फसाद चल रहे हैं, ये आखिर में है क्या? जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, कन्हैया लाल पकड़िए, अनिर्बन भट्टाचार्य पकड़िए, क्या ये लोग कॉलेज तक ही सीमित रहने वाले हैं या फिर उसके आगे जाके भी पॉलिटिक्स बनाने वाले हैं? क्या ये लोग पॉलिटिक्स को गंदा बनाते हैं या फिर अच्छे तरीके से उसको फ्रेम में ले आके सही में छात्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये लोग बस आंदोलन की आड़ में कॉलेज को अखाड़ा बनाना चाहते हैं? इसी सब विषय को लेके आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास पेशकश लेके आने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनका विचार। आज का मेरा पहला सवाल है, क्या स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को छोड़कर पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं? पॉलिटिक्स स्टूडेंट्स के साथ साथ नहीं चलनी चाहिए। पॉलिटिक्स अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में हावी हो जाती है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हमारे देश का भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना कतई उचित नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का जो मकसद है वो पहले पढ़ाई कर लें उसके बाद, और पॉलिटिक्स में जाने के बाद होता है क्या, जैसे हमने अभी जो देखा है सामान्यतः JNU या DU, ये लोग अपने समय के हिसाब से भटक जाते हैं और पॉलिटिक्स का कुछ अलग ही रंगत हो जाता है। और सामान्यतः आज के समय में, खासकर 20 साल से जो राजनीतिक इतिहास रहा है हमारे यहाँ, राजनीतिक जो भी खेल हैं, जिनको मैं व्यापार बोलता हूँ, पार्टी नहीं उनको मैं व्यापार बोलूँगा, वो अपने हित के लिए विद्यार्थियों को भटकाते हैं, और उनके लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब जैसे JNU में 45 साल 50 साल की उम्र वाले लोग अभी भी PhD कर रहे होते हैं, मकसद वो उचित नहीं है ना। आप राजनीति की वजह से, अब किसी के कारण आप टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 40-45 साल की उम्र तक छात्र राजनीति के नाम पर कब तक लोगों को ठगिएगा? जो वास्तविकता है पढ़ाई, ज्ञान को अर्जित कीजिए ना। राजनीतिक जिनका है उनको करने दीजिए पैसा, आना चाहते हैं पढ़ाई छोड़कर राजनीति आइए। मैं 10वीं पास या 12वीं क्लास करके राजनीति छात्र में आना चाहूँ, जीवन में आना चाहूँ, तो मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मेरा भविष्य कहाँ है, या तो राजनीति या फिर ज्ञान से संबंधित कोई क्षेत्र। अब दोनों को समन्वय एक साथ नहीं कर सकते ना। आजकल के स्टूडेंट हैं जो आजकल स्टडी के अलावा ये आजकल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर हमारा बहुत ही अंधेरे में जा रहा है। और हमें आजकल पॉलिटिक्स में एक लिमिट ही रखनी चाहिए, बाकी हमें स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट जिस हिसाब से कॉलेज में धरना देते हैं, टीचर्स के रूम को लॉक कर देते हैं, अपने बात को आगे रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये किस हद तक सही है? स्टूडेंट को आजकल जो धरना दे रहे हैं उनका, क्योंकि आजकल कोई भी बात हम कोई भी करते हैं तो हमारी कोई सुन नहीं जाता, जब भी हमें बिना धरने के बिना पढ़ के वो बात हो नहीं पाती कहीं भी हो, क्योंकि हमें हर जगह कुछ ना कुछ हमें आगे करना पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। आप कहीं भी चले जाएँ, अगर आप प्यार से कोई काम करना चाहता है, कोई कभी कोई काम करके राजी नहीं होता। अगर आप मतलब इसके सब मिलजुल के हम उठो जब भी कुछ काम हो पाता है, मतलब हो पाना मुश्किल है, धरना के बिना कोई काम हो पाना मुश्किल है आज के डेट में। मैं पुष्कर ना, बेसिकली द प्रॉब्लम आजकल ये हो रही है कि आपको अपनी जो भी बात रखनी है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए। अगर इन अ केस वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक पॉइंट ले सकते हैं कि आप बेसिकली थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन जो भी चीज़ें हैं आप एक बार को, लेकिन लास्टली पॉइंट होता है ये, फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि आप जितना हो सके उनसे पहले बातें कीजिए। अगर वो आपकी बात पर कन्वेंस होते हैं देन वो बेस्ट है, अदरवाइज़ अपनी बातें बनवाने के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ एग्रेशन दिखाना ही पड़ता है। समाज में जो बीज बोए जा रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य ये है कि इनके जो बच्चे रहते हैं वो तो दूसरे देशों में पढ़ते रहते हैं, हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स करके ये बच्चों में घृणा पैदा कर रहे हैं, समाज का स्तर गिरा रहे हैं, समाज को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका उद्देश्य केवल ये, इनके पास कोई देने के लिए जॉब नहीं है बच्चों को, इसलिए बच्चों को शुरुआत से ही इनको खराब एक गलत रास्ते की ओर ले जाके समाज में विध्वंस पैदा करना चाहते हैं। इस तरीके के राजनीति करके अगर इनको देश को सही दिशा की ओर ले जाना है तो
पॉलिटिक्स के लिए इनको दूसरे कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे केवल पॉलिटिक्स ही सिखाई जाएगी। अदरवाइज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में इस तरीके की जो राजनीति हो रही है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इनके लिए कानून बनाना चाहिए कि जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक इस तरीके की पॉलिटिक्स कॉलेजों में नहीं होगी। मेरा अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट सब कुछ भूल कर वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, क्या आंदोलन करने के लिए वायलेंस इतना ज़्यादा ज़रूरी है? वायलेंस, मैं ये नहीं बोल सकती कि वायलेंस सही है या वायलेंस गलत है, ये कोई भी नहीं बोल सकता, ना आप ना मैं। वायलेंस करना गलत है किसी भी तरह से, वो तो है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्यार से बोलो, एक हद में रह के बोलो तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है क्यों किया वायलेंस? हमें ये दिखता है यार इन्होंने ये कर दिया, वो किया, इतना वायलेंस किया, क्यों किया? कोई जानने की कोशिश करता है रीज़न क्या है पीछे? प्यार से आवाज़ उठाई होगी पर क्या किसी ने सुनी होगी? एक बार नहीं 10 बार बोला होगा पर क्या किसी ने सुना होगा? नहीं, जब नहीं सुनाई दिया इसलिए तो करना पड़ा, ऐसा कुछ करना पड़ा जिससे लोग देखें, लोग सुने। जब लोग आपकी बात नहीं सुनते, लग अपने पेरेंट्स से बात करते हो प्यार से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं सुनते तो आप चिल्लाते हो कि एटलीस्ट सुनो मुझे, मेरी तरफ देखो, एंड दिस इज़ अ थिंग। बट आई टोटली एक्सेप्ट दैट कि उस हद तक वायलेंस ना हो कि किसी को हर्ट करें या किसी को चोट पहुँचाए। स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना मस्ट है, क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की पॉलिटिक्स का फ्यूचर स्टूडेंट्स ही होते हैं, यूथ ही फ्यूचर है। बट उसका एक दायरा है, उसकी एक सीमा होती है, जिसमें कि कई बार स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भटक जाते हैं, अपना जो उनका उद्देश्य होता है उद्देश्य से बिल्कुल परे हो जाते हैं। कई बार वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। कई बार आउटसाइडर्स पॉलिटिशियंस का उसमें इतना इंटरफेरेंस हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है, जो स्टूडेंट लेवल की, जो कॉलेज लेवल की है, वो कई बार कॉलेज लेवल की ना रह कर और बाहर के लेवल की हो जाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि जो कॉलेज के पॉलिटिशियन है उनका फ्यूचर में क्या रोल है? मैं मानता हूँ कि भावी हमारे नेता हैं, ये भावी नेता, लेकिन उनको जो पॉलिटिक्स करनी चाहिए ये एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए इनकी। ये राजनीति करेंगे स्टूडेंट्स लेकिन विदाउट एनी पर्सनल अटैक टू एनी पर्सन, चाहे उनके विपक्ष में हो सपक्ष में हो, पर्सनल अटैक वाला जो राजनीति है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो राज्य के लिए जो है वो करना चाहिए, वो पॉलिटिक्स अवश्य होना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य के लिए स्टूडेंट्स को ज्ञान रखना है और देश में क्या हो रहा है, कौन सा खराब हो रहा है, कौन सा अच्छा हो रहा है, उन लोग सबको भागीदारी लेना चाहिए, उनको ज्ञान रखना चाहिए और अपना मत प्रकाश करना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पर्सनल अग्रेशन किस हद तक सही है? आजकल के कॉलेजों में जो पॉलिटिक्स हो रही है और या जो होनी चाहिए वो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉलेज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे दिल्ली में और इतने बड़े कॉलेज हैं, लोग तरसते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा माहौल है और काफ़ी नामी कॉलेज है, और उनका माहौल ख़राब कर देना, और मुझे ही लगता है कि वो कहीं स्टूडेंटों की अपने मुताबिक हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन उसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और ये बहुत ही गलत है हमारे समाज के लिए भी कि बाहर के स्टूडेंट आजकल डरने लगे हैं दिल्ली में आगे पढ़ने से, और ये मतलब कोई उनका फ्यूचर नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छे स्टूडेंट का ऐसे तुम किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करते करते तुम नेता बन जाओगे या तुम्हारे पॉलिटिक्स में कोई भविष्य बन जाएगा, ये खुद को गुमराह करने वाली, अपना टाइम ख़राब करना, अपना गोल्डन पीरियड ख़राब करना अपनी लाइफ का, और इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। और ये बस एक है कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स पार्टी उसमें इन्वॉल्व होके वो नेता जो सच में समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर अब जगह नहीं बना पा रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो वहाँ जाके अपनी रोटियाँ सेकते हैं और टारगेट करते हैं उन स्टूडेंटों को जिनका एक अच्छा नाम है कॉलेज में और वो रियली में कुछ कर सकते थे शायद पॉलिटिक्स में भी, बाद में उन्हें अपने हिसाब से डाइवर्ट करके गुमराह करना, बस यही है और ये बहुत गलत है। तो आज आपको पता लग ही गया होगा कि छात्र राजनीति के बारे में लोगों का क्या विचार है, ये कितना सही है और कितना गलत है आपको पता चल ही चुका होगा। ऐसे ही हम आपके साथ फिर से वापस लौटेंगे कुछ नए और ख़ास मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें ईमेल करिए voiceofindia@gmail.com। थैंक यू।